में मैं हूँ आपका होस्ट एस्ट्रोपामिस्ट FJ आवान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़िंदगी की लकीर के बारे में है कि ज़िंदगी की लकीर टूट जाए तो क्या होता है, क्या बुरा होता है, ज़िंदगी, मौत या फिर बीमारी। इसके असल हकायक को हम देखेंगे। हाथ पर आपको एक एरो का निशान नज़र आ रहा है जिसमें ज़िंदगी की लाइन को हाथ पर देखा जा सकता है, और ये बिल्कुल पहली उंगली जो जुपिटर माउंट के बिल्कुल नीचे से एक लाइन जो है हाफ दायरा नुमा शुरू होती है, जिसको हम जो है ना ज़िंदगी की लाइन कहते हैं। ये एक हाफ दायरा नुमा लाइन अंगूठे के गिर्द जो ज़ायरा का माउंट होता है उसके गिर्द बनती है, और ज़िंदगी के बारे में, इंसान की ज़िंदगी के बारे में तमाम राज को ज़ाहिर करती है। तो आज हम देखेंगे कि ये ज़िंदगी की लाइन जो है ये माउंट जुपिटर के नीचे से चलते हुए मुख्तलिफ जगहों पर इसका अख्तिताम होता है। बाज़ औक़ात ये हथेली के एंड पर जाकर सेंटर में चली जाती है, केतु माउंट पे चली जाती है। तो चाहे इसकी कोई भी शक्ल हो, ये लाइन को मुख्तलिफ निशानात के ज़रिए देखा जा सकता है, और ये हाथ पर बड़ी खूबसूरती से मौजूद होती है, ज़ारा के उभार तक पहुँचती है और फिर एक खूबसूरत सा कर बना कर हथेली पर मौजूद होती है। चले आए अब देखते हैं कि इसके बारे में कि मुख्तलिफ हिस्सों में इस लाइन को किस तरह से देखा जाता है, इस और लाइन का टूट जाना अगर देखा जाए। हाज़रीन, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर लाइन टूट जाए और लाइन टूटने की वजह से आपको जिस तरह से इस लाइन पे गैप नज़र आ रहा है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हाथ पर मौजूद हो तो वो इंतहाई ख़तरनाक कंसिडर की जाती है। यहाँ पे उम्र के इस हिस्से को नोट किया जाता है, और यहाँ पे अचानक जो है ना ये डेथ का निशान है और मौत वाक़या हो सकती है अचानक। और ऐसे मामलात में अगर वहाँ पर एक स्केयर साइन आ जाए, एक मरबा आ जाए, तो वो ख़तरात को जो है ना वो कम कर देता है और इस इंसान को ख़तरात से बचा देता है। तो ऐसी सूरत में देखना ये होगा कि आया वो ज़िंदगी की लाइन ब्रेक कहाँ से हुई, जहाँ से ब्रेक हुई है आया वहाँ पर कोई सेफ्टी साइन, ये सिक्योर साइन यानी कि मरबा नुमा कोई शक्ल बन रही है। अगर तो बन रही है तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है, और ये हमेशा लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, और लाइफ लाइन पे जो है ना इसकी, या फिर इसके अलावा एक इमदादी लाइन जो है, तासीरी लाइन जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में गार्डियन एंजल लाइंस भी कहा जाता है, ज़िंदगी की लाइन के साथ मौजूद हो, चाहे छोटे से पीस की शक्ल में मौजूद हो, तो वो ज़िंदगी की लाइन की ताकत को बढ़ा देती है। अगर इस सूरत में भी लाइन टूटी हो तो फिर भी जो है ना इंसान उस खतरात से निकल आता है, उस बीमारी से निकल आता है। तो सबसे पहले जो है ना वो लाइन की नेचर को देखना है कि लाइन जुपिटर माउंट से स्टार्ट होकर ज़िंदगी के गिर चलती हुई कहाँ तक पहुँची है, फिर उसकी बनावट को देखना है कि वो आया बारीक चल रही है, कहीं से भद्दी तो नहीं, टूटी तो नहीं, फैली तो नहीं। इन तमाम चीज़ों की रीडिंग करके जो है ना आप एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं, और ज़िंदगी के हवाले से तमाम जो है सेहत के हवाले से, बीमारी के हवाले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो ज़िंदगी की लाइन के हवाले से था, और अगर लाइन एंड पे जाकर मुख्तलिफ छोटी छोटी शाखों की तरह तकसीम हो जाए ज़िंदगी की लाइन, तो ऐसी सूरत में भी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है एनर्जी, तो बीमारी जो है ना वो उस इंसान को आ पकड़ती है। तो इसमें देखना ये है कि ज़िंदगी, मौत या फिर बीमारी, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी जो लाइफ लाइन है वो वाज़ेह तौर पर इशारा करती है, और इसमें देखा जा सकता है। और नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यकीनन आपको पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है ना टाइम टू टाइम आपको मिलती रही और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें।
अगर आपके कोई इस हवाले से कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो काइंडली आप मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।